हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैलिंडम नंबर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पैलिंडम नंबर क्या होता है ये समझेंगे लोग, उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे लोग, उसके बाद हम लोग आगे उसके प्रोग्रामिंग और लॉजिक को देखेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज पैलिंडम नंबर, पैलिंडम नंबर क्या होता है ये सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ, पैलिंडम नंबर आर सच नंबर व्हेन वी रिवर्स इट डिजिट इट्स रिमेन सेम, सच नंबर आर कॉल्ड पैलिंडम नंबर। मीन्स वेन वी रिवर्स डिजिट ऑफ अ नंबर देन इट विल बी इक्वल टू डैट ओरिजिनल नंबर। कहने का मतलब कि अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं लोग, ठीक है, अगर उस नंबर को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करने का मतलब कि जैसे जो 1 3 नंबर का डिजिट लेते हैं लोग, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा, 10th प्लेस होगा और 100th प्लेस होगा। तो हम लोग रिवर्स करेंगे लोग, तो 100th प्लेस वाला क्या चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे, और यूनिट प्लेस वाला आ जाएगा 100th प्लेस पे, और 10th प्लेस वाला 10th ही प्लेस पे रह जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर है तो दो नंबर एक्सचेंज होंगे और बीच वाले वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों नंबर फिर सेम हो गया, मतलब कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला, जो हम लोग को आउटपुट मिला, वो नंबर अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर है, ठीक है, तो पैलिंडम नंबर है, वरना नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 101, व्हेन वी रिवर्स इट डिजिट देन इट विल बिकम 101 एंड बोथ नंबर आर सेम, सो 101 इज पैलिंडम नंबर। बट व्हेन वी टेक अनदर नंबर 102 एंड रिवर्स इट डिजिट देन इट बिकम 201 एंड बोथ नंबर आर नॉट इक्वल और सेम, सो 102 इज नॉट अ पैलिंडम नंबर। कहने का मतलब कि अगर 101 ले रहे हैं लोग हम लोग, ठीक है, तो 101 को रिवर्स करेंगे तो वो 101 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 101 आ गया तो ये क्या है, पैलिंडम नंबर है, ओरिजिनल नंबर और हम लोग को जो रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर मिला है, दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए पैलिंडम नंबर है। और हम लोग एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं लोग, 102 पे आते हैं लोग। ठीक है, तो 102 में क्या है कि अगर रिवर्स कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिला, 201 मिल रहा है, जो क्या है, ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, पैलिंडम नंबर नहीं है। एक बड़ा नंबर का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 12321, ठीक है, ये जो नंबर अगर रिवर्स कर रहे हैं लोग तो सेम ही नंबर आएगा, 12321, ठीक है, जो क्या है, दोनों सेम है और इक्वल भी है, तो मतलब क्या है, ये पैलिंडम नंबर है। बट अगर एक नंबर इंक्रीज करे लोग, 12322 ले रहे हैं लोग, तो यहाँ पे क्या है, 22321 आएगा, जो क्या है, ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये पैलिंडम नंबर नहीं है। तो चलिए अब इसके प्रोग्रामिंग को देखते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं लोग। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लोग, सबसे पहले इंट नम, नम ले रहे हैं लोग वेरिएबल, इसलिए क्योंकि हम लोग को नंबर इनपुट करना है, तो जो नंबर हम लोग इनपुट करेंगे लोग वही उसी का ना चेक करेंगे लोग कि हाँ वो पैलिंडम नंबर है या नहीं है, तो इसलिए नम एक इनपुट नंबर ले लिए लोग। उसके बाद सम, जिसको हम लोग 0 के बराबर कर दे रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं लोग वो आगे हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद एक टेम्प्रोरी वेरिएबल टेम्प, उसके बाद काउंट। ठीक है, चलिए अब इनपुट लेते हैं लोग, प्रिंट एफ इंटर द नंबर, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं लोग कि हाँ कोई भी अगर यूजर आए, मतलब कोई भी इस प्रोग्राम को रन करे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना, वरना वो ब्लैंक दिखाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, scanf नंबर इनपुट के लिए, परसेंट डी इंटीजर है इसलिए परसेंट डी यूज कर रहे हैं लोग हम लोग, एम्परसन नम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूजर इनपुट ले लिए लोग, अब क्या करते हैं लोग, टेम्प्रोरी वेरिएबल में नम को स्टोर कर देते हैं लोग। कहने का मतलब कि हम लोग कोई भी यहाँ पे जो भी जितने भी सारे वर्क होगा वो टेम्प्रोरी वेरिएबल पे करेंगे लोग, और नम को वैसे ही फिक्स रहने देंगे लोग कि हाँ वो नम जो है वो ओरिजिनल नंबर वैसे ही स्टोर्ड रहे, और टेम्प पे सारा वर्क करके हम लोग फिर से एक दूसरा नंबर जनरेट करेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए फिर वाइल लूप लेते हैं लोग। अब वाइल लूप क्यों लिए हैं अभी हम बताते हैं। ठीक है, टेम्प ग्रेटर देन 0, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाइल लूप लेने का जो हम रीजन है वो अभी हम बता रहे हैं एक मिनट में। ठीक है, यहाँ पे काउंट इक्वल टू
टेम्प, सॉरी परसेंट टेन। यहाँ पे टेम्प को टेन से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं लोग, और रिमाइंडर जो बचा है वो काउंट में स्टोर कर रहे हैं लोग, ठीक है। सम, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, ठीक है, सम इंटू टेन, जो बहुत कोई क्या करता है यहाँ पे काउंट इंटू टेन कर देता है कभी, मतलब काउंट इंटू टेन करने पे जो हम लोग का आउटपुट आएगा, जो ओरिजिनल नंबर आएगा वो दूसरा आएगा, वो कैसा आएगा वो भी हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। और टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई टेन, यहाँ पे टेम्प को हम लोग स्मॉलर करते जा रहे हैं लोग, ठीक है, मतलब छोटा करते जाएंगे लोग। यहाँ पे हम कुछ कमेंट्स करते हैं, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सारे लाइन्स का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सबसे पहले टेम्प क्या है, टेम्प जो नम के बराबर है, तो नम मान लीजिए कोई एक नंबर इनपुट किए लोग, जैसे 101 ही इनपुट किए लोग, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नम 101 हम लोग इनपुट किए लोग, ठीक है। तो 101 इनपुट हुआ हम लोग का जो नम था, तो टेम्प भी कितना हो गया 101। अब यहाँ पे जो काउंट है, टेम्प को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो काउंट कितना हो गया 1, क्योंकि 101 को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो हम लोग का जो न्यू सम होगा, सॉरी सम कितना था 0 था, तो अब हम लोग का न्यू सम कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 इंटू 10 किए लोग, तो क्या हुआ 0 इंटू 10 0 और प्लस काउंट 1, तो यहाँ पे ये क्या हो गया सम 1 हो गया। बट अगर हम लोग ऐसा करते लोग काउंट में मल्टीप्लाई करते लोग, तो सम हम लोग का कितना आता 10 आता, ठीक है, जो आगे हम लोग को बहुत बड़ा नंबर दे देता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टेम्प, फिर टेम्प को 10 से डिवाइड कर दिए लोग, तो टेम्प हम लोग का कितना बचा 10 बचा, ठीक है, टेम्प इक्वल टू 10। अब 10 बचा तो फिर यहाँ पे आया, तो ये टेम्प जो क्या है 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, फिर इंटर किया, तो अब काउंट हम लोग का 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो काउंट हम लोग का क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर 1 इंटू 10 हुआ, ठीक है, तो 1 इंटू 10 कितना आया हम लोग का 10 आ गया, मीन्स सम कितना है अभी 1 है, बट न्यू सम जो हम लोग का हुआ वो कितना है 10 आ गया, जो क्या हुआ यहाँ पे ये 1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया, ठीक है। फिर अब टेम्प क्या हुआ 10 से डिवाइड हुआ, तो टेम्प 1 बच गया, ठीक है, जो टेम्प हम लोग का क्या है 1 हो गया। और यहाँ पे टेम्प 1 मतलब ग्रेटर देन है, 0 से बड़ा है 1, तो ये इसके अंदर फिर इनपुट करेगा, फिर 1 को 10 से डिवाइड किए लोग, तो हम लोग का काउंट कितना बचा रिमाइंडर 1 ही बचा, ठीक है। और सम जो हम लोग का था कितना था 10, बट अब न्यू सम जो है, न्यू सम क्या हो गया 10 इंटू 10 कितना हुआ हम लोग का 100 हो गया, ठीक है, तो न्यू सम जो हो गया 100, और टेम्प और 100 और प्लस काउंट 1, ठीक है, तो कितना हो गया 101, और टेम्प कितना हो गया फिर, मतलब टेम्प हम लोग का 0 बचा, 0 डिवाइडेड बाई 10 0, तो ये फिर अब यहाँ से आउटपुट नहीं जाएगा क्योंकि टेम्प क्या हो गया 0 हो गया, जो कि यहाँ पे इसके इससे मतलब क्या है इसके बराबर है, जो इससे बड़ा नहीं है इसलिए इसमें नहीं इंटर करेगा, तो हम लोग का न्यू सम 101 आ गया, जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर था उसी के बराबर। तो ये था हम लोग का कंडीशन। बट अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाइल इसलिए लिए क्योंकि हम लोग को फिक्स पता नहीं है कितना टाइम तक हम लोग को ये लूप को रन कराना है, इसलिए हम लोग वाइल लिए। फॉर लूप लेते तो हम लोग को जैसे यहाँ पे फिक्स पता होता कि हाँ
कोई इनपुट, मतलब कोई भी यूजर इनपुट करेगा तो सिर्फ 3 डिजिट नंबर ही इनपुट करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज करके वहाँ पे 3 डिजिट तक का ही हम लोग रन कराते लोग, बट यहाँ पे हम लोग को फिक्स पता नहीं है इसलिए हम लोग व्हाइल लूप लिए। तो अभी हो गया हम लोग का मतलब ओरिजिनल नंबर हम लोग सॉरी रिवर्स नंबर हम लोग को मिल गया। तो अब चेक कर लेते हैं लोग कि हाँ रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो पैलिंड्रोम नंबर है, नहीं सेम है तो नहीं है। इफ num equal to sum sorry printf sorry palindrome number, ठीक है। अगर नहीं है इक्वल तो else पोर्शन में आ जाएगा, else printf Not palindrome number। तो यह हो गया हम लोग का प्रोग्रामिंग एंड। अब चलिए हम लोग आउटपुट देखते हैं लोग, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा स्क्रीन को हम जूम करते हैं कि क्लियर दिखे। इनपुट 101 लिए, ठीक है। 101 palindrome number है। दूसरा इनपुट हम लोग चेक कर लेते हैं लोग जो नॉन palindrome number का हो। फिर इसको यहाँ पे लाते हैं, थोड़ा तो जूम करते हैं। 102 जो हम लोग लिए थे लो नॉट पैलिंडम नंबर। तो यहीं पे हम लोग का प्रोग्रामिंग समाप्त हुआ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे इंस्टाग्राम पेज मतलब ग्रो विद कोड का एक इंस्टाग्राम पेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको वहाँ पर फॉलो करें। और कुछ दिन में हम वहाँ पर प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे और उसके सॉल्यूशन के साथ ही। तो आप उसको फॉलो जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले या हमको इंस्टा पेज ग्रो विद कोड पे आके हमसे वहाँ पे डिस्कस कर ले। थैंक यू।